नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद करें और दोस्तों, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनमें से 2-3 सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश ज़रूर करें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको लगातार देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव सिंह, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। सोच समझकर अपना जवाब कमेंट करें। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोकें, फिर आप कमेंट करें, उसके बाद वीडियो देखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय। दूसरा सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या शनि ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध ग्रह। तीसरा सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। ऑप्शन है मोर, मुर्गी, शुतुरमुर्ग या हंस। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल हैं इस वीडियो में, जो आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुतुरमुर्ग। चौथा सवाल है, भारत का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, गोवा, असम या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर। पांचवा सवाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, रायपुर या चंडीगढ़। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोपाल। छठवां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। ऑप्शन है आम, नीम, पीपल या बरगद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बरगद। सातवां सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या जापान। तो दोस्तों, हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। आठवां सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन है 1911, 1915, 1919 या 1923। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आप आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट किया करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919। नौवां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी आसानी से होती रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर। दसवां सवाल है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। तो दोस्तों आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।